एडजेक्टिव को सिर्फ तीन हिस्सों में डिवाइड करना है और पहला हिस्सा होगा आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री की पहचान सबसे बड़ी क्या है। तो ईआर और मोर के साथ दैन का पेयर बनेगा। इसी तरह मेरे बच्चे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे कहता है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये वर्ड्स वो ट्रिक्स है। बात जब एडजेक्टिव की होती है तो एडजेक्टिव पे क्वेश्चन करने के लिए अक्सर हम लोगों को डर लगता है। तो आपकी स्क्रीन पे एडजेक्टिव को सिर्फ तीन हिस्सों में डिवाइड करना है और पहला हिस्सा होगा आप लोगों का पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, यानी एडजेक्टिव तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई सुपरलेटिव कंडीशंस नहीं होती, इसीलिए पेपर में ये कम आता है। लेकिन बात जब कंपैरेटिव डिग्री की जाती है कि कंपैरेटिव डिग्री एग्जैक्टली होता क्या है, तो कंपैरेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो होती है मोर या मेरे बच्चे या वो होती है ईआर, यानी जिस वर्ड के पीछे मोर या ईआर जैसे वर्ड यूज हो जाए। आई रिपीट, मोर या ईआर जैसे वर्ड यूज हो जाए, जैसे बिगर, लार्जर, स्मार्टर इस तरह से, या मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, लाइक दीज वर्ड्स, उनके केस में हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान सबसे बड़ी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान है कि उस वर्ड में मोस्ट या ईएसटी का यूज होना जरूरी है। जैसे मैं कहूं बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, या मोस्ट हैंडसम, या मोस्ट ब्यूटीफुल, या मोस्ट, इस तरह से कोई भी वर्ड अगर आप लगाना चाहें जो मोस्ट के साथ यूज होता है उसको हम लोग जनरली यहां पर सुपरलेटिव कंडीशन की बात करते हैं। लेकिन बात जब डिफरेंसेस की आती है और पेपर में जब कोई भी एग्जांपल आता है तो वो डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी स्क्रीन पे सबसे ज्यादा मेन पॉइंट क्या दे रखा है कि भैया डिफरेंस बिटवीन मोर मोस्ट यानी ईयर और ईएसटी, ये एग्जाम पैटर्न को लेकर सबसे शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बिहाफ पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्पल निकाल दोगे। लेकिन कैसे निकालोगे, जब बात डिफरेंस मोर और ईआर की बात आती है तो मोर और ईआर दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बात जब मोस्ट और ईएसटी की आती है तो ये दोनों वर्ड मेरे बच्चे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री उसको कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा लोगों में से किसी एक को चूज करना हो, यानी कंपैरिजन करना हो। मैं कहूं कि वो लड़की खूबसूरत है तो दैट मींस शी इज ब्यूटीफुल, वो उसकी क्वालिटी है। मैंने कहा वो लड़की अपनी सिस्टर से ज्यादा खूबसूरत है, इट मींस मैं कंपैरिजन करता हूं कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। यानी अगर किसी भी एग्जांपल में मोर या ईआर का इस्तेमाल होगा तो उस केस में आपको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। या मैंने कहा वो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, जहां पर मैंने मोस्ट इस्तेमाल कर दिया वहां पर हम सुपरलेटिव कंडीशन की बात करते हैं। तो मोस्ट एक सुपरलेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, मोर एक कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। इसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये वर्ड्स वो ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है बच्चे, यहां पर दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी आपके दिमाग में सीधा सीधा आ गया मोर और ईआर। सुपरलेटिव डिग्री आपके दिमाग में सीधा सीधा आ गया मोस्ट और ईएसटी। अब डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर किसी एग्जाम्पल में मोर या मोस्ट, ईआर या ईएसटी ऐसा कोई भी वर्ड दे रखा है तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि एग्जामिनर एडजेक्टिव के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। लेकिन कैसे किया जाएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी एग्जाम्पल में ईआर या मोर कभी भी एक साथ आते हैं, आई रिपीट, अगर किसी एग्जाम्पल में ईआर या मोर कभी एक साथ आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उस एग्जाम्पल में मोर हमेशा गलत होगा। आई रिपीट, ईआर और मोर कभी एक साथ नहीं आते तो उस एग्जाम्पल में मोर हमेशा गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन एंड टू, दोनों क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आई एम मोर लोनलियर, यानी इस सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो इस सवाल में मोर और लोनलियर एक साथ है। यानी अगर मैं ये कहूं कि इस एग्जाम्पल में ईआर और मोर दोनों एक साथ है तो ग्रामेटिकली रूल ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी एग्जाम्पल में ईआर और मोर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ऐसे केस में आप हमेशा मोर को काट देंगे, यानी मोर गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में लोनलियर के साथ मोर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला सवाल क्या कहता है, इस सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निशा इज मोर फनियर देन नताशा। मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन जब किसी एग्जाम्पल में मेरे बच्चे मेरे पास क्या आ गया, मोर आ गया, यानी अगर किसी एग्जाम्पल में मोर आ गया तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि ये एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। अब रूल ये कहता है कि इस सवाल में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो मोर और ईआर दोनों एक साथ दे रखे हैं, यानी मोर और ईआर जब एक साथ दे रखे होंगे तो ग्रामेटिकली मोर हमेशा गलत होगा। तो मेरा ग्रामेटिकली स्पॉटिंग एरर पार्ट बी ये आ गया और ये वाला पार्ट ए आ गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों,
कि मैंने कहा कि मोर और ईआर एक साथ नहीं आता, इसी तरह अगर किसी एग्जांपल में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली दो वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में कंपैरिजन करते हैं और जो सुपर फ्लॉज एरर, यानी जब कोई भी दो शब्द जो एक जैसा मीनिंग देते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो ग्रामेटिकली वो गलत होंगे। अब गलत होंगे तो सही कैसे करेंगे? तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ कभी भी आप ना ही ईआर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कभी मोर का इस्तेमाल करेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना कभी आप ईआर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कभी मोर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर वन और टू दोनों ईआर और मोर के केस में आ गए, लेकिन जब आप एग्जाम्पल नंबर थ्री की जाएगी तो शी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर। जैसे ही मैंने स्मार्टर देखा मेरे दिमाग में आ गया यार यहाँ पे तो ईआर दे रखा है, यानी ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, यानी ये एक क्वेश्चन एडजेक्टिव का है। लेकिन इसका सही जवाब कैसे निकाला जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया था कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड गिवन होगा तो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड के केस में हम हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ईआर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी यहां पर जो सही जवाब आएगा शी इज कंपैरेटिवली स्मार्ट, जो मेरा सही जवाब होगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ ईआर और मोर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब बात अगले पॉइंट की आती है, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि ईआर और मोर दो ऐसे वर्ड है जो हमेशा कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन के केस में हमेशा ये पेयर जो बनेंगे देन के साथ बनाएंगे, यानी इसका पॉइंट क्लियर है। तो ईआर और मोर के साथ देन का पेयर बनेगा। इसी तरह मेरे बच्चे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे कहता है वो क्या है कि अगर किसी भी एग्जांपल में ER या more आ जाए और उसी example में all या any आ जाए, क्योंकि all हमेशा एक superlative degree को show करता है जो comparison नहीं करता, तो इसको comparison करने के लिए इस more और all के केस में other का आना mandatory है, अगर other नहीं आया तो गलत। अब इसी point को आप इसके साथ comparison कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि same ER और more के केस में other आना जरूरी है, other all या any है। same EST और most के केस में, यानी जब हम superlative की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? सुपरलेटिव की बात करते हैं, तो सुपरलेटिव के केस में जिंदगी में कभी भी अदर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना कि ईआर और मोर के केस में अदर का आना जरूरी है, लेकिन ईएसटी और मोस्ट के केस में अदर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एग्जाम्पल नंबर चार और पांच, ये दोनों एग्जाम्पल सेम उसी पैटर्न पे दे रखे हैं जो मैंने भी आपको समझाया था कि ईआर और मोर के केस में अगर ऑल या एनी वर्ड दे रखा है। क्वेश्चन, एवरीवन बिलीव्स दैट द रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द रिलीजियस बुक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोर, यानी अगर किसी एग्जांपल में मोर आता है तो मोर एक कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। अब मोर सेक्रेड, अब मोर अपने साथ किसका पेयर बना रहा है? देन का पेयर बना रहा है, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अगर इस सवाल में ध्यान से देखा जाए तो ऑल वर्ड दे रखा है, तो रूल ये कहता है कि अगर मैं किसी एग्जांपल में मोर लिख रहा हूं और उस एग्जांपल में मेरे पास ऑल या एनी वर्ड गिवन है तो उसके केस में अदर लगाना मैंडेटरी है। ये ध्यान कर लेना कि कंपैरिजन केस में ये पूछा जरूर जाएगा। तो मोर सेक्रेड देन ऑल, तो यहां पे जो द वर्ड था क्योंकि इसके तुरंत बाद आपको अदर लगाना पड़ेगा, तो ऑल अदर रिलीजियस बुक्स, तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा मेरे बच्चे वो क्या आ गया? बी आ गया। क्वेश्चन क्लियर है? अब एग्जाम्पल नंबर फाइव भी यही कहता है। एग्जाम्पल नंबर फाइव की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है। क्या कहता है? एवरीबडी नोज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर। अब यहां पे मेरे बच्चे होलीएस्ट दे दिया, यानी यहां पे क्या दे दिया? ईएसटी। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी एग्जाम्पल में ईएसटी या मोस्ट ऐसा कोई भी वर्ड दिया गया हो तो उस एग्जाम्पल में आप अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईएसटी और मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है जो कंपैरिजन नहीं करता। अब यहां पे एवरीबॉडी नोज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ ऑल अदर, तो जैसे ही मैंने होलीएस्ट देखा तो मुझे अदर का इस्तेमाल नहीं करना, तो यहां पे ऑल द अदर ऑल द रिवर्स इन इंडिया, दैट्स माय सही आंसर। अब आते हैं बेटा मैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों ईएसटी और मोस्ट इन दोनों से पहले हमेशा दा होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात मोस्ट और ईएसटी कभी एक साथ नहीं आ सकते। यानी जिस तरह अगर मैं कहूं कि ईआर और मोर एक साथ नहीं आ सकते, उसी तरह ईएसटी और मोस्ट भी एक साथ नहीं आ सकते। एग्जाम्पल नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन वही कहता है, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? मोस्ट। अब इस एग्जाम्पल में क्या आ गया? टफेस्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए मेरे प्यारे बच्चों? तो मोस्ट के साथ टफेस्ट या टफेस्ट के साथ मोस्ट, तो रूल ये कहता है बच्चे कि ईएसटी के साथ, आई रिपीट माई वर्ड, ईएसटी के साथ आप मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी इस ईएसटी के साथ मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।